तो क्या हालचाल दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कैनरा बैंक के बारे में। दोस्तों कैनरा बैंक की एक ऐसी फिक्स डिपॉजिट मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं जो कि आपको देती है सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोस्तों आप चाहे आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं या फिर आते हैं जनरल पब्लिक की कैटेगरी में, ये सेविंग स्कीम यानी कि जो फिक्स डिपॉजिट है आप दोनों को ही देगी सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोस्तों अगर आप 10 साल की भी FD कराते हैं तो भी आपको इतने अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेंगे जितने कि आपको इस छोटे टाइम की FD में आपको मिल जाएंगे। दोस्तों काफ़ी लंबे टाइम से आप लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर आप हमें हाईएस्ट इंटरेस्ट पेइंग स्कीम के बारे में बताइए जो कि शॉर्ट टर्म में हमारे गोल्स को पूरा कर सके। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए एक ऐसी ही फिक्स डिपॉजिट जो कि शॉर्ट टर्म में है, अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड कराती है और सेफ्टी के साथ साथ आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराती है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। इसके लिए आपको आ जाना है कैनरा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे। कैनरा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद इंटरेस्ट रेट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करके आना है इस वाले पेज पे। जैसे ही आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे उसके बाद में आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है। जैसे ही आप नीचे की तरफ आएंगे तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि अगर आप फिक्स डिपॉजिट को 7 दिनों से लेकर के 45 दिनों तक करते हैं तो 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है। अगर आप वहीं सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है 5.41% का। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, अगर आप 46 दिनों से लेकर के 90 दिनों की फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो आपको 5.35% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं अगर आप जनरल पब्लिक की कैटेगरी में आते हैं उसके अलावा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ये रहने वाला है, और अगर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं तो 5.41% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। 91 दिनों से 179 डेज यानी 179 दिनों की FD कराने पे 5.61% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। वहीं अगर आप 180 दिनों से लेकर के 269 डेज यानी 269 दिनों की अगर FD कराते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.40% का मिलेगा। वहीं अगर मैं बात करूं आपसे, अगर 1 साल की अगर FD कराते हैं तो 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेंगे। वहीं अगर आप FD कराते हैं 5 साल से लेकर के 10 साल के बीच में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 6.87% का मिलेगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं तो 0.5% एक्स्ट्रा यानी कि 7.40% के रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेंगे। अब दोस्तों आपको इनमें से कौन से स्लॉट के अंदर FD करानी चाहिए इसके बारे में तो हम जानेंगे। अगर आप यहाँ पे 1 साल की अगर FD कराते हैं ना तो 1 साल की FD पे 7% का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। और साथ के साथ में अगर मैं बात करता हूँ, और अगर आप ये कराते हैं इसकी FD कराते हैं अगर आप, तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आपको 7.45% के रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वहीं अगर आप कहीं 444 दिन की यानी 444 डेज की अगर FD कराते हैं तो आपको सबसे अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे जो कि हैं 7.45% के। और अगर आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं तो आप ये रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हैं 7.61% तक के रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको सीनियर सिटीजन की कैटेगरी के अंदर मिलने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप कौन से FD कराना चाहते हैं या कितने अमाउंट से FD कराना चाहते हैं ये तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपको ये जो स्पेशल FD है जो कि 44 डेज के लिए है यानी कि 444 दिनों की जो FD है, इस FD के बारे में अगर कोई और भी जानकारी अगर आपको चाहिए कैनरा बैंक में किसके नाम से ये FD है तो मैं आपको बताऊंगा। तो सिंपली आप यहाँ पे जाके कैनरा बैंक की ब्रांच में जब विजिट करेंगे आपको सिंपली बताना है कि मुझे 444 डेज वाली FD करानी है जिसके अंदर 7.45% तक के रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे, वही FD आपकी ओपन हो जाएगी। और ये FD आपको चलानी है 1 साल और 2 साल के बीच के अंदर, यानी 44 डेज की FD करानी है, 440 डेज की, उसके अकॉर्डिंगली आप यहां से कर सकते हैं ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट। और आप हमें दे सकते हैं जवाब एक छोटे से सवाल का कि आप कितने दिनों की FD कराना पसंद करते हैं, लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में, और साथ के साथ में कितने अमाउंट की FD कराना पसंद करते हैं शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा।
ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर से कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय पर मिल सके। मैं मिलता हूँ ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।